दोस्तों, कल भूल भुलैया के ट्रेलर के आने के बाद, यानी कि भूल भुलैया 2 के ट्रेलर के आने के बाद, मानो जैसे YouTube पर ना एक मतलब बहस सी छिड़ गई। कई लोग बॉलीवुड को फिर से गालियां देने लगे, कई लोग बॉलीवुड को फिर से हेट करने लगे। कहीं ना कहीं बॉलीवुड जिस हिसाब से रीमेक पे रीमेक बनाया जा रहा है, उस हिसाब से ये गालियां बनती भी थी, क्योंकि पब्लिक बहुत बुरी तरीके से यूट्यूब पर टूट पड़ी, उस ट्रेलर पर टूट पड़ी। ऑलमोस्ट जितने भी कमेंट मैंने देखे भूल भुलैया 2 के ट्रेलर पर, उन कमेंट्स में एक बात कॉमन थी कि अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया ज़्यादा अच्छी थी। हो ना हो दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छी थी, आई नो दैट। बट मैं आपको इस कहानी के बारे में बता दूँ, भूल भुलैया 2 जो है वो 15 साल बाद कहानी शुरू होती है। भूल भुलैया 2 की कहानी भूल भुलैया 1 से ही शुरू होती है, बट कहीं ना कहीं ये उसके आगे की कहानी है। कार्तिक आर्यन को हो सकता है कि फिल्म में असिस्टेंट या फिर चेला दिखाया जाए अक्षय कुमार का, वो हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर कहीं ना कहीं फिल्म में एक छोटी सी हिंट दिखाई जाए। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी तरह की हेट मत फैलाइए, हो सकता है फिल्म में कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो, क्योंकि तब्बू वाला करेक्टर हमने इसके पिछले पार्ट्स में नहीं देखा था। फिर चाहे वो चंद्रमुखी हो या फिर अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया हो या फिर भूल भुलैया जैसी ही फिल्म कोई दूसरी क्यों ना हो, हमने तब्बू मैम वाला कैरेक्टर नहीं देखा था। इसके अलावा राजपाल यादव हो सकता है कि उसी गाँव में हो, उन्हें एजेड भी दिखाया गया कि उनकी थोड़ी एज भी बढ़ती दिखाई, तो हो सकता है कि उसी गाँव की कहानी हो लेकिन 15 साल बाद की कहानी हो। तो ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये जो फिल्म है वो भूल भुलैया 2007 वाली का रीमेक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह से तब्बू वाला कैरेक्टर नहीं था। इसके अलावा जिस हिसाब से राजपाल यादव जो है इस कहानी में दिखाए हैं, उस कहानी में उन्हें काफ़ी डिफरेंट दिखाया गया। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच वाला फंडा यूज़ कीजिए। उसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए, बहुत सी फिल्में आ रही है। भूल भुलैया 2 हो सकता है कि बॉलीवुड की एक टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हो सकता है, ये बॉलीवुड की लेगेसी एक बार वापस ले आए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस फिल्म से उम्मीद तो है कि कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 हिट या सुपर हिट ज़रूर होगी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाएगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ किसी भी तरह की हेट मत फैलाइए, हो सकता है कि फिल्म हमारी एक्सपेक्टेशंस